बोले देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य मुनिश्री यहाँ पर मंच पर विराजमान आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संगोष्ठी के निदेशक महोदय, सारस्वत अतिथि महोदय, संयोजक महोदय और इस गोष्ठी का संयोजन करने वाले आदरणीय संयोजक महोदय, मुझे जिस विषय पर अपनी बात कहने को कहा गया है वह विषय है मेरी भावना के संदर्भ में मैत्री भावना। हम सभी जानते हैं कि किसी भी मनुष्य का सबसे उत्कृष्ट भाव क्या हो सकता है। हम जब स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं और प्रायः मेरी भावना इतना उत्कृष्ट काव्य बना और उसकी जो उसमें निहित भावनाएं हैं वो इतनी उत्कृष्ट रूप से हमारे सामने आई कि जैन ही नहीं बल्कि अजैनों में भी यह व्याप्त हो गई। अनेक स्कूलों में, प्रार्थना सभाओं में पढ़ी गई और कल हमारे राजेंद्र जी चर्चा कर रहे थे कि ये राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत होने वाली थी। हम जनगणमन पढ़ते हैं, उस समय जब चर्चा चल रही थी कि इस कैसे क्या निर्धारित किया जाए, उस समय इस मेरी भावना की भी चर्चा हुई थी। तो मेरी तो ये भावना है कि ये राष्ट्रगान भले ही नहीं बन पाया लेकिन राष्ट्रीय भावना ये आज भी है। ये सिर्फ मेरी भावना नहीं है बल्कि संपूर्ण भारत राष्ट्र की ये भावना है। तो हमें ये भी प्रयास करना चाहिए कि इस तरह की कभी घोषणाएं हों कि राष्ट्रीय भावना क्या हो सकती है, तो इसके अंदर वो सारे तत्व मौजूद हैं जो राष्ट्रीय भावना के रूप में घोषित हो सके। मेरी भावना में मुझे मैत्री की चर्चा करनी है और मैं आपको जो राष्ट्रीय भावना वाली बात कह रहा हूं, मुझे अमेरिका के प्रोफेसर ने ये बात कही थी और ऐसे विदेश के लोग जो विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे हैं, हमारे भारत के लोग जैन तो हैं ही, कुछ ऐसे जैन जो अजैनवत रहते हैं वो भी, वो सब कहते हैं और कुछ आए नहीं है, बोले ये वाली बात बहुत अच्छी लगती और ये पूरी भावना हमें बहुत पसंद है। और मैं उन प्रोफेसर साहब को जानता हूं, हर जगह विदेशों में इसी विषय पर व्याख्यान देते हैं। वो कहते हैं मैं ये पुस्तक मेरे पास है जो वीर सेवा मंदिर से प्रकाशित हुई है, अनुवाद सहित अंग्रेजी अनुवाद, बोले मैं कहीं जाता हूं इसी विषय पर व्याख्यान दे। तो इतनी व्यापकता इस भावना ने प्रदर्शित की है, उसके अंदर जैन धर्म का सार समाया हुआ है। हम मैत्री की चर्चा कर रहे हैं, तत्वार सूत्र में व्रतों की रक्षा के लिए भावनाओं का जिक्र है कि ये व्रतों की रक्षा करती हैं ये भावनाएं। उसमें मैत्री भावना का उल्लेख बहुत महत्वपूर्ण है। वहां सूत्र रूप में कहा गया मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्व गुणादिक क्लिश्य माना विनेश। और ये सूत्र परवर्ती परंपरा तक बहुत व्यापक रूप से हमारे सामने आता है, इसकी व्याख्या को लेकर के और इसको लेकर के अनेक छंदों का निर्माण हुआ, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। भगवती आराधना में भी मैत्री के विषय में एक परिभाषा लिखी है कि जीवेशु मित्त चिंता मैत्री, पूरी गाथा है। फिर उसका अर्थ स्पष्ट करते हुए विजयोदया टीका में लिखा है कि घटी यंत्र की तरह अनंत काल चारों गतियों में भ्रमण करते हुए सभी जीवों ने मेरा बहुत उपकार किया है, अतः उनमें मित्रता की भावना ये मैत्री कहलाती। यानी कितनी उदात्त भावना है, सिर्फ इस जन्म को ही लेकर के भावना नहीं है। मैं भी अनंत काल से संसार में भ्रमण कर रहा हूं,
अन्य जीव भी संसार में अनंत काल से भ्रमण कर रहे हैं, किस किस भाव में किस किस जीव ने मेरे ऊपर क्या क्या उपकार किया उसको स्मरण करते हुए उन सबके प्रति अपनी भावना को प्रकट करता है, हृदय में वो भावना रखता है। मैत्री भावना सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि हृदय की अतुल गहराइयों में जाकर उसकी अनुभूति में जो जीता है वो वास्तव में मैत्री को अपनाता है। बहुत सारी बातें हमारे शास्त्रों में कही गई, मैं थोड़ा जिक्र करके फिर मुनि श्री ने अपने ग्रंथ में उसका क्या विशिष्ट विवेचन किया है उसको आपके समक्ष रखूंगा। आचार्य पूज्यपाद कहते हैं, परेशान दुखानुपत्य अभिलाषा मैत्री। वो कहते हैं कि दूसरों को दुख ना हो ऐसी अभिलाषा रखना मैत्री। कई बार मैं देखता हूं कि बड़े साधारण से लोग जो जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है और किसी कभी धर्म का भी नाम नहीं जानते, लेकिन उनके अंदर भी इतनी उदात्त भावना है, मेरे कारण किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। वो मंदिर आता है नहीं आता है, किसी धर्म को मानता है नहीं मानता है, लेकिन उससे दो शब्द बात करो तो पता चल जाता है कि वो ये विचार करता है कि मेरे निमित्त से किसी जीव को दुख नहीं होना चाहिए, ऐसे उसके अंदर करुणा भाव रहता है, ये मैत्री कहलाती। और जब हम धर्मात्मा कहलाते हैं, धर्म क्षेत्र में आते हैं, तो वो मैत्री और अधिक विकसित हो जानी चाहिए, वो मैत्री भाव हमारा और परिमार्जित होकर हमारे सामने आना चाहिए। भगवती आराधना में संलेखनाधारी छपक के लिए भी कहा कि जब वह सब वस्तुओं में समता भाव धारण करके निर्मल चित्त कर लेता है तब मैत्री आदि भावनाओं को धारण करता है। आचार्य शुभचंद्र ने ज्ञानार्णव नामक ग्रंथ में बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, और जैसी कल चर्चा हमारे आदरणीय श्रेयांश जी भी कर रहे थे कि कैसे युगल जी ने सारी चीजों को पूरे शास्त्रों को आलोड़न विलोड़न करके इन छंदों का निर्माण किया है, तो वो संदर्भ हमको यथा स्थान मिल भी रहे। जैसे मैं आपको बताता हूं, क्षुद्रे तर विकल्पेशु चर स्थिर शरीरिषु सुख दुखात्यवस्थासु संस्कृतेषु यथा यथा नाना योनि गतेष्वेषु समत्वेनाविराधिका साध्वी महत्वमापन्ना मतिर मैत्री की पठ्यते जीवन्तु जन्तवः सर्वे क्लेश व्यसन वर्जिता प्राप्नुवन्ति सुखम त्यक्त्वा बैरम पापम पराभवम। आप अंतिम पंक्ति पर ध्यान दें, प्राप्नुवन्ति सुखम त्यक्त्वा बैरम पापम पराभवम। हम छंद पढ़ते हैं, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गा। तो ऐसा लगता है कि इस भाव को सीधे कवि ने यहां पर ग्रहण कर लिया और हिंदी में हमारे सामने प्रस्तुत कर। देखिए, वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखी गई और बहुत उत्कृष्ट काव्य है संस्कृत का, लेकिन वो जन जन के कंठ का हार नहीं बन पाए। लेकिन जब रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदी में प्रस्तुत किया तो गांव गांव में उस रामायण को गाया जाने लगा और लोगों के गलों में वह समा गया, कंठ में समा गया। इसी तरह ये शास्त्रों में जो इतनी उदात्त भावनाएं जैन धर्म की संस्कृत में प्राकृत में लिखी हुई थी वो कंठों का हार नहीं बन पा रही थी भाषा के कारण, लेकिन हमारे जुगल किशोर जी ने वो छंदबद्ध करके हिंदी में, आधुनिक हिंदी में उसको इस तरह से प्रस्तुत कर दिया कि आज बच्चा बच्चा भी उस भावना को गाता है और उसकी अनुभूति में जीता है। इसमें जो भाव कहा गया वो बहुत महत्वपूर्ण है। वह कहा गया कि सूक्ष्म और बादर भेद रूप त्रस स्थावर प्राणी सुख दुख आदि अवस्थाओं में जैसे तैसे तिष्ठे हों तथा नाना भेद रूप योनियों में प्राप्त होने वाले जीवों में समानता वाली बुद्धि हो, ऐसी महत्ता को प्राप्त हुई समीचीन बुद्धि मैत्री भावना कहलाती है। और इस तरह की चर्चा आगे हमारे भावना द्वाद त्रिंशिका में अमित गति आचार्य ने भी की है, सत्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। ये सत्वेषु मैत्री जो शब्द है ये वास्तव में आज हमसे कोई पूछे, जैसे अजैन लोग प्राय पूछते हैं कि दो शब्दों में जैन धर्म का सार बताओ क्या है,
तो मैं समझता हूं कि उस समय यदि हम कहें सत्वेषु मैत्रीम, आप इसकी व्याख्या करते रहना, बहुत लंबी व्याख्या होगी, लेकिन सभी जीवों में मैत्री का भाव हमारे मन में रहे, ये जैन धर्म का महान संदेश है। इसके अंदर अहिंसा भी गर्भित हो जाती है, करुणा भी गर्भित हो जाती है, समत्व भी गर्भित हो जाता है। हम चाहें तो इसके अंदर सारा दर्शन गर्भित कर सकते हैं, ये इतना व्यापक शब्द है। और आप उस छंद को, ये जो सारी बातें हैं कैसे जुगल किशोर जी ने कहा है वो आप सबको स्मरणीय है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे और दीन दुखी जीवों पर मेरे करुणा स्रोत बहे, उरसे करुणा स्रोत। आप ये सोचे हम कितने ही बड़े आध्यात्मिक हो जाएं, हम कितने ही बड़े व्रती हो जाएं, कैसे भी गृहस्थ हो जाएं, लेकिन यदि जीवों को देख करके हमारे मन में करुणा का भाव नहीं आता है दुखी जीवों को देख, और यदि हमारी सब जीवों के प्रति मैत्री भाव नहीं है, तो हम किस दशा में जी रहे हैं? हमको हक ही नहीं है कहने का कि हम आध्यात्मिक हैं या धार्मिक, क्योंकि उसकी पहली शर्त है कि हम सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखें। और भी बहुत सारी, पूज्य मुनि श्री ने उनकी जो अभिनव कृति उनके प्रवचनों के संकलन के रूप में हमारे सामने उपस्थित है, उसमें उन्होंने मेरी मेरी भावना, मैं थोड़ा छोटा सा निवेदन, पता नहीं मेरी अल्प बुद्धि में वो आ पाया नहीं आ पाया, कल इसके डॉट डॉट पर चर्चा चल रही थी, मैं शुरू से कंफ्यूजन में था जब मैंने पढ़ा, मुझे लगा ये मेरी मेरी दोबारा क्यों लिख दिया। मैंने सुनील जी से भी पूछा, मैंने कहा ये क्या अभिप्राय है इसका, फिल्म मेरी और मेरी भावना एक काव्य है उसके लिए कह रहे ये मेरी है ऐसा कहना चाह रहा। फिर मुझे लगा कि अगर डॉट डॉट की जगह हम मेरी शब्द लिखते और मेरी भावना पे इन्वर्टेड कामा लगाते तो मुझे लग रहा था मुझे ज्यादा अच्छे से उसको समझ पाता, ऐसा मेरी अल्प बुद्धि में आया कि ये एकदम से स्पष्ट हो रही थी बात, तो इस पर भी विचार कर सकते हैं। बाकी कल जो चर्चा चली कि वो रत्नत्रय का प्रतीक है, तो इस भाव से यदि है तो वो अन्य बात है। पूज्य श्री ने बहुत अच्छे उद्गार व्यक्त किए हैं उसमें, मेरी भावना जब मैत्री से संबंधित जो चर्चा आ रही थी उसमें मुझे लगा, आप कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ बदलता है अगर मेरा मन बदला है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, एक प्राचीन परंपरा है। वास्तव में मुझे लगता है सारा मनोविज्ञान से संबंधित बातें हैं। यदि मन अच्छा है तो मन अच्छा तो कठोती में गंगा, हम परिस्थितियां तो हमारे हाथ में कभी होती ही नहीं, यदि हमारे हाथ में यदि कुछ पुरुषार्थ में है तो वो है मन स्थिति। हम पर द्रव्यों में फेरफार करने की बुद्धि रखेंगे तो हमेशा तनाव में रहे, लेकिन हम अपने भावों की विशुद्धि पर ध्यान देंगे तो हम बच सकते हैं। तो बहुत सुंदर कहा कि दुनिया में सब कुछ बदला अगर मेरा मन बदला और मेरे भाव बदले हों तो, पूरा संसार बदला हुआ दिखता है यदि मेरा मन और मेरे भाव बदले। दूसरी बात, जिन्होंने अपनी मन स्थिति बदली वे परिस्थिति बनकर बदलकर भगवान बने, यदि परिस्थिति भी बदलना हो तो भी मन स्थिति बदलने से ही परिस्थिति बदलती। ये बहुत अच्छा, मन स्थिति बदली थी, जितने भी मोक्ष गए हैं तीर्थंकर आदि उन्होंने सिर्फ मन स्थिति बदली थी, और हम दुर्भाग्यशाली हैं कि हम उस मन स्थिति को बदल नहीं पा रहे। संसार के प्रति उन्होंने अपनी मन स्थिति बदली, उन्हें संसार परिवर्तन की चिंता नहीं। फिर कहते हैं एक जगह बहुत अच्छा कि दिखावा करने के लिए तो हम कितनी जगह दान देते हैं, लेकिन क्या कभी ऐसी समदत्ती के स्थान पर हमने दान देने का प्रयास किया, उनको अपने जैसा बनाने का प्रयास किया? हम दान का दिखावा ज्यादा करते हैं दान का अंदर। बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण पूज्य मुनिश्री देते हैं जो हमारे बिल्कुल अंदर गले तक उतर जाता है। वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति, भूखा व्यक्ति रोटी मांगने आता है कि मुझे भोजन चाहिए रोटी दे दो, तो हम ये खोजते हैं कि बासी रोटी कहीं रखी हो तो दे दे उसे, यानी हम ताजी रोटी खाते हैं, लेकिन कोई मांगने आ गया तो कभी हम ये नहीं सोचते कि एक रोटी ज्यादा दो रोटी ज्यादा ताजी सेंक दो उसको दे। और वो मांगने आया और जिस महिला से मांगने आया उस महिला के घर में बासी रोटी नहीं थी तो पड़ोसी के घर चली गई, तुम्हारे यहां बासी रोटी,
वो खुद मांगने को तैयार हो गई दूसरे से, एक व्यक्ति मांगने आए। यानी वहां पर भी हमारा चित्त, हमारा हृदय पिघलता नहीं है कि जैसी ताजी रोटी हम खा रहे हैं उसको भी समदत्ति, माने हमें समान रूप से वैसी भावना दान के समय भी हमारे अंदर नहीं आती। हम देते हैं तो उसका भी चित्र खिंचवाते हैं, उसका विज्ञापन करते हैं, लेकिन हृदय से इस तरह के करुणा